नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को चैनल के बैनर से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग पंचायत सचिव के एग्ज़ाम जो हुए थे उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस के रूप में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। इसमें आप सभी जो देख रहे हैं या पंचायत सचिव के एग्ज़ाम जो हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर है। हम लोग देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पुस्तक सुपरस्टार इंडिया फ्रॉम इनक्रेडिबल टू अनस्टॉपेबल के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर सलमान रसूदी है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि यह क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है कि सुपरस्टार इंडिया फ्रॉम इनक्रेडिबल टू अनस्टॉपेबल के लेखक कौन है। तो इसका आंसर सलमान रसूदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। यह कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें देखिए इसका आंसर ओरकल होगा, ऑप्शन सी में ओरकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। यह क्वेश्चन झारखंड से है, झारखंड के इतिहास से, कि 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आदिवासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है। यह भी झारखंड से ही पूछा गया है। तो इसका आंसर सी होगा, सोहराय। आप सभी जानते होंगे कि सोहराय जो होता है सो मवेशियों की पूजा के लिए ही होता है, मवेशियों की पूजा से संबंधित होता है। इसी में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर सी होगा, सोहराय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए कोलकाता है। आप सभी जानते होंगे कि कोलकाता को ही सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में यह पूछा गया है कि उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है, उत्तरी मुंडाओं की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए संथाली है। मुंडाओं की मुख्य भाषा संथाली होती है। तो इसका आंसर ए नंबर संथाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खोजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खोजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर सर्च इंजन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस यंत्र पर यह सीमा लागू है कि हम उससे सूचना पढ़ तो सकते हैं पर उसे मिटा या संशोधित नहीं कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि इनमें से किस यंत्र पर यह सीमा लागू है कि हम उससे सूचना पढ़ तो सकते हैं पर उसे मिटा या संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सीडी रोम है। ठीक है, यह कंप्यूटर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त आयोग कौन सा था। जालियांवाला बाग जिसमें हुआ था तो उस समय जांच के लिए नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त आयोग कौन सा था। तो इसका आंसर होगा हंटर आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग। आप सभी पढ़े होंगे हिस्ट्री, तो उसमें जालियांवाला बाग के समय जो कमेटी गठित की गई थी वह हंटर आयोग ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11,
11 क्वेश्चन में यह बोला गया है कि खालिस्तान रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। आप सभी झारखंड से यदि बिलोंग करते होंगे तो आप सभी उसमें देखे होंगे कि जो राशन कार्ड है उस राशन कार्ड में मतलब कि अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को जो राशन कार्ड दिया जाता है उस राशन कार्ड का कलर रंग कैसा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पीला। तो राशन कार्ड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को पीला कार्ड दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है भारत ने पोखरान में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मई 18 1974 को किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे। जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे, यह भी झारखंड से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1938 में यह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। आप सभी जानते होंगे कि असम में जो वहाँ की फसल कटाई होती है उस समय वहाँ पर एक प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, उस उत्सव को बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी है बोहाग बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक राजगद्दी पर दो बार बैठा था। यह भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मुगल शासक राजगद्दी पर दो बार बैठा था। तो इसका आंसर होगा हुमायूं। आप सभी हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि हुमायूं जो है सो अपने राजगद्दी पर दो बार शासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है उसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है राजनैतिक विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण क्या है। राजनैतिक विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि पंचायती राज संस्था जो एक प्रकार का राजनैतिक विकेंद्रीकरण का इसका एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी पंचायती राज संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है कि देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। देवघर में कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बैद्यनाथ। यदि आप सभी देवघर गए होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि वहाँ विभिन्न प्रकार के ज्योतिर्लिंग है। तो इसमें देवघर में कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है, तो बैद्यनाथ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी 7-बिट कोड द्वारा प्रदत्त बिट पैटर्नों की संख्या क्या होगी। यह कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि भारत में खालिस्तान GST के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है नहीं आते हैं। तो पेट्रोल इसके अंतर्गत GST के अंतर्गत नहीं आते हैं और बाकी बात जितना चीज़ है कृषि उत्पाद, फिर हस्तशिल्प, फिर रत्न और आभूषण, ये सभी सब GST के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो पेट्रोल है पेट्रोल या GST के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। तो इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, यह जो है यह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। बाकी जितने भी बचे हैं महेंद्र सिंह धोनी, प्रेमलता अग्रवाल, रामदयाल मुंडा, इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 21 और 21 में क्या बोला गया है उसे हम लोग देखते हैं। 21 में बोला गया है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा खाली स्थान है, मतलब इंटरनेट पर प्रयुक्त जो कंप्यूटर भाषा होती है वह कौन सी है, तो इसका आंसर होगा जावा, ऑप्शन ए जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसमें बोला गया है इनमें से क्या झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प कला है, मतलब बोला गया कि इनमें से जितने भी झारखंड की जनजातियां हैं उनमें से प्राचीन धातु शिल्प कला कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धोकरा, इसका आंसर ऑप्शन ए धोकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को हम लोग देखेंगे, इसमें बोला गया है इनमें से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में बोला गया है बुकमार्क की हुई वेबसाइटें खालिस्तान में भंडारित रहती है, यह भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए फेवरेट्स मेन्यू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और 25 बोला गया है कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है, नहीं का बात क्या किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झिलीमिली। झिलीमिली का नाम आप नहीं सुनेंगे झारखंड में, बाकी बात झरिया है, हुनार है, औरंगा है, ये सभी झारखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है उसे हम लोग देखते हैं। बोला गया है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय इनमें से कौन लेता है, तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय आप सभी जानते होंगे कि यह राज्य सरकार के हाथ में होता है और राज्य सरकार ही इसका निर्णय लेता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी राज्य सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 और इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सी बैकअप तकनीक जगह की दृष्टि से सबसे दक्ष है, इनमें से कौन सी बैकअप तकनीक जगह की दृष्टि से सबसे दक्ष है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंक्रीमेंटल बैकअप है, यह कंप्यूटर से क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 और इसमें बोला गया है कि 1 TB खालिस्तान के बराबर होता है, आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर यदि आप सभी पढ़े होंगे तो कि 1 TB 1 TB के बराबर होता है, 1 TB, इसका आंसर बी हो जाएगा। और यदि हम लोग 1 TB इसी को बोलते हैं 1 TB, तो 1 TB 1 TB के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 और 29 में क्वेश्चन में बोला गया है छोटा नागपुर पठार खालिस्तान चट्टानों से बना है, यह झारखंड के ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के भूगोल से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा नागपुर का पठार जो है सो खालिस्तान चट्टानों से बना हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि प्री कैम्ब्रियन युग में ही झारखंड में जितने भी पठार हैं उन सभी पठारों इन सभी चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में बोला गया है कि झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है, कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए दो औद्योगिक इकाइयां स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि झारखंड के इनमें से कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है, बिरसा मुंडा की याद में कौन सा संस्थान का नाम रखा गया है, तो आप सभी जानते होंगे कि झारखंड में विभिन्न सारे संस्थान हैं जो बिरसा मुंडा के याद पर रखा गया है, उसमें है पहला हवाई अड्डा, उसके बाद फिर मध्य कारागार, उसके बाद फिर है एथलेटिक्स स्टेडियम, तो ये सभी बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी इन सब मतलब कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में हम लोग देखेंगे बोला गया है कि झारखंड सिंगल विंडो सिस्टम एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है, झारखंड सिंगल विंडो जो एक्ट आया था 2015 में रघुवर दास के सरकार के समय,
तो उसका उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन सी है कारोबार करने में आसानी के सुधार लाना, और ऑप्शन डी है इन सभी। तो इसका आंसर इन सभी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड सिंगल विंडो सिस्टम में बोला गया था कि झारखंड में जितने भी औद्योगिक हैं उन औद्योगिकों का विकास में बढ़ावा देना है। इसके साथ ही साथ इसमें बताया गया था कि यदि औद्योगिकों का विकास होगा तो इसमें नए निवेशों की सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी, जिसमें वहां पर क्या होगी कि नए नए निवेश बढ़ेंगे, और नेक्स्ट है कि कारोबार करने में आसानी के सुधार उसमें लाया जाना था। तो ये सभी जितना भी है तो इसका आंसर इन सभी है, इसका सभी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में हम लोग देखेंगे, बोला गया है एस एम पी एस का विस्तार क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। इसका आंसर होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, या कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, और इसमें बोला गया है कि झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 में हम लोग देखेंगे झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप सभी जानते होंगे कि झारखंड के रांची से ही कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड के रांची से ही कर्क रेखा गुजरती है, और इसका आंसर हो जाएगा रांची। तो आप सभी जानते होंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन कौन वो आप सभी जानते होंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप सभी जानते होंगे कि वह 8 राज्य कौन कौन सी है, तो उसमें सबसे पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है मिजोरम, चौथा राज्य है त्रिपुरा, पांचवा राज्य है पश्चिम बंगाल, छठा राज्य है झारखंड, सातवां राज्य है छत्तीसगढ़, आठवां राज्य है गुजरात। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से कि कौन कौन से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य है झारखंड, छठा राज्य है त्रिपुरा, सातवां में मिजोरम, और आठवां में पश्चिम बंगाल। तो ये सभी 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है कि झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड के रांची से ही कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि रोजर फेडरर किस खेल से जुड़े हुए हैं, रोजर फेडरर किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में है टेनिस। तो टेनिस खेल से रोजर फेडरर का संबंध है, टेनिस खेल से ही रोजर फेडरर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में बोला गया है ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी, ताना भगत में कौन सी जनजातियों ने भागीदारी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उरांव ने ही इस आंदोलन में, ताना भगत आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, और 38 में बताया गया है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह क्वेश्चन साइंस से है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सभी जानते होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में बोला गया है कि इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ था, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप सभी जानते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में ही हुआ था। ऑप्शन ए है सौरभ तिवारी,
तो सौरभ तिवारी का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। ऑप्शन बी में है वरुण एरोन, यह भी झारखंड के ही खिलाड़ी हैं लेकिन इसका जन्म जमशेदपुर में हुआ था। इसलिए यह जो महेंद्र सिंह धोनी है यह झारखंड के रांची में ही इसका जन्मभूमि माना जाता है और जन्मभूमि इसका झारखंड के रांची में ही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी MS धोनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में बोला गया है झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है, झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है। तो झारखंड के साथ कुल 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। झारखंड के साथ कुल कितने राज्यों की सीमाएं लगती है, तो कुल 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। यह 5 राज्य कौन कौन है आप सभी जानते होंगे कि झारखंड जो है, यदि हम लोग भारत के मैप में देखेंगे झारखंड की स्थिति, तो झारखंड की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। इसको हम मैप के सहारे देखेंगे, जो झारखंड है हमारा यह इस तरह से है, या रफ मैप हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को समझने के लिए। तो ये हमारा मोटा मोटी झारखंड है और झारखंड के पूरब में इधर पश्चिम बंगाल स्थित है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिम में इधर यूपी स्थित है, यूपी, और उत्तर में बिहार, और दक्षिण में इधर उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा स्थित है, और इधर इधर इस एरिया में यहाँ पर 36 स्थित है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो झारखंड है वह 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों की सीमाएं लगती है, 5 राज्यों की सीमाएं से लगी हुई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि IPV4 पत्ते की लंबाई कितनी होती है। तो यह भी क्वेश्चन कंप्यूटर से है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 32 बिट हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 में पूछा गया है कि खालिस्तान में कागजी मुद्रा भारत में लागू की गई थी, मतलब कौन सी ईस्वी में कागजी मुद्रा भारत में लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 में भारत में कागजी मुद्रा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में बोला गया है कि खालिस्तान इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज ITLOS में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला है। मतलब कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज में जो नियुक्त हुई थी वह भारत की पहली महिला कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरू चड्डा, आप सभी जानते होंगे नीरू चड्डा को, या भारत की ही महिला है जो ITLOS में प्रथम न्यायाधीश के रूप में बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरू चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें पूछा गया है कि किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है। तो यह क्वेश्चन झारखंड से ही पूछा गया है, तो आप सभी जानते होंगे कि झारखंड में नवा मुंडी जो सबसे अधिक लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवा मुंडी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी छोटनागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है, नहीं पूछ दिया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बी सी तीनों इसमें मैच नहीं करेगा, और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यह तीनों नदियाँ छोटनागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है। झारखंड के यदि आप लोग भूगोल पढ़े होंगे तो उसमें विभिन्न नदियों के बारे में पढ़े होंगे, तो इसमें आप सभी पढ़े होंगे कि यह नदियाँ कहाँ से निकलती है और किधर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 के बारे में हम लोग देखेंगे। एक कंप्यूटर में मेमोरी में
खाली स्थान का एक भाग होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर से है और इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका सीपीयू, सीपीयू का ही फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट सीपीयू का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें पूछा गया है भारत में बीसी रॉय पुरस्कार किसको उच्चतम मान्यता देने के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सक, चिकित्सक को बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इसे पूछा गया है तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेन इसका है कि इसके क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका था कि जो तेल उत्पादन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, किस क्रांति से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीत क्रांति। आप सभी जानते होंगे कि जो दूध उत्पादन होता है उसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, और मिट्टी, मिट्टी को भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, और एग्रीकल्चर को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में पूछा गया है कि झारखंड के किस ज़िले में चूना पत्थर मिलता है? तो झारखंड के पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू हो गया, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, इन सभी ज़िलों में चूना पत्थर मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? तो यह झारखंड का सबसे फेमस राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह है NH3। NH3 जो है वह बरही से बहरागोड़ा, ठीक है, बरही से बहरागोड़ा के बीच में जोड़ता है। इसका आंसर आया है ऑप्शन डी, NH33। यदि हम लोग NH29 के बारे में बात करेंगे तो यह वाराणसी से गोरखपुर को जोड़ता है। यदि हम लोग NH31 के बारे में बात करेंगे तो यह बरही से गुवाहाटी के बीच में जोड़ता है, और NH32 के बारे में बात करेंगे तो गोविंदपुर से जमशेदपुर के बीच यह जोड़ता है, और NH33 बरही से बहरागोड़ा के बीच को जोड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में पूछा गया है कि किसी पैराग्राफ को बीचों बीच लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी कंप्यूटर के ज्ञाता होंगे तो आप सभी को आसानी से पता होगा कि कंट्रोल प्लस ई को हम दबाएंगे तो किसी भी पैराग्राफ को पूरा बीचों बीच में लाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इसमें पूछा गया है ब्लैक होल, कॉमा, पल्सर और गामा रे का अध्ययन करने के लिए 2017 में निम्न में से कौन से देश ने एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप प्रक्षेपण किया था? यह क्वेश्चन करंट अफेयर, जिसमें एग्जाम हो रहा था उस समय के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो चीन ने इसको किया था। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पहले का कम से कम एक साल का करंट अफेयर कवर करके ही एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में बोला गया है MS Word में इनमें से क्या एक संपादन दृश्य एडिटिंग व्यू नहीं है? मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया कि MS Word में इनमें से क्या एक संपादन दृश्य नहीं है? तो ऑप्शन बी है फुल स्क्रीन व्यू, या भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा फुल स्क्रीन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में पूछा गया है इनमें से कौन एक मुक्केबाज नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशुता लकड़ा का संबंध हॉकी से है, और हम लोग बात करेंगे दिवाकर प्रसाद का संबंध बॉक्सर व बॉक्सिंग से है, और मिसाल बेंजामिन लकड़ा यह भी बॉक्सिंग से है, और लक्ष्मी पांड्या यह भी बॉक्सिंग से है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन एक मुक्केबाज नहीं है, तो तीनों मुक्केबाज तो हैं लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है अंशुता लकड़ा यह हॉकी से है, इसलिए यह मुक्केबाज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। यह भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा गया है कि जूट की खेती मुख्य रूप से खालिस्तान के डेल्टा क्षेत्र में की जाती है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जूट की खेती होती है वह मुख्य रूप से किस जगह में, किस डेल्टा क्षेत्र में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा डेल्टा क्षेत्र में जूट की खेती अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 में हम लोग देखेंगे कि दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा है, मतलब दीपिका कुमारी का नाम जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो इस आप सभी जानते होंगे कि झारखंड की जो दीपिका कुमारी है वह तीरंदाजी से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीरंदाजी। यदि शतरंज की बात करेंगे तो शतरंज में बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, उसमें दीप सेन गुप्ता, नीरज कुमार गुप्ता, ये सभी हैं, यह शतरंज से आते हैं। हॉकी की बात अभी हम लोग किए कि हॉकी में अंशुता लकड़ा जो है वह हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन जो है वह झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में पूछा गया है कि भारत में प्रारंभ किए गए भूमि सुधारों में इनमें से किसे शामिल किया गया था, मतलब भारत में जिस समय भूमि सुधार हुआ था तो उस समय किसे शामिल किया गया था, तो ऑप्शन ए है बिचौलियों का उन्मूलन, ऑप्शन बी है किराएदार सुधार, और ऑप्शन सी है चकबंदी, और ऑप्शन डी इन सभी। तो इन सभी को हम लोग टिक करेंगे क्योंकि जिस समय भारत में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था तो उस समय बिचौलियों का उन्मूलन, किराएदार सुधार, चकबंदी, इन सभी को उसमें शामिल किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है, मतलब कौन सा उपन्यास जो है सो मुंडा विद्रोह पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरण्य अधिकार। यह एक उपन्यास है जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि ICC महिला विश्व कप 2017 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था। ICC वर्ल्ड कप जिसमें हो रहा था महिला का 2017 में, तो उसमें महिला टीम से भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाली दोरई राज, जिसको मिथाली राज के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए मिथाली राज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में पूछा गया है कि छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट जिसे CNT खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया था। झारखंड के CNT एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि CNT एक्ट झारखंड में किस समय पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1908 में CNT एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में पूछा गया है कि गोवा की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वह कौन सी है, तो आप सभी जानते होंगे कि गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वह कोंकणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 20। भाग 20 में भारत के संविधान का जो संसद की संविधान संशोधन की शक्तियां हैं वह उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यटन स्थल पर बारिश पूरे वर्ष होती है, मतलब कि कौन सा ऐसा जगह है भारत में जहां पर बारिश हमेशा मतलब सालों भर होती है, तो वह स्थान है चेरापूंजी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में पूछा गया है सक्रिय विंडो सिस्टम मेन्यू दिखाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, या
क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 पूछा गया है, खाली स्थान क्रायोजेनिक इंजन के साथ भारत का पहला पूर्ण फंक्शनल रॉकेट है जिसका जनवरी 2017 में परीक्षण किया गया था। तो यह क्वेश्चन करेंट अफेयर से ही था कि इस समय 2017 में, जनवरी 2017 में उसमें परीक्षण किया गया था, उसमें भारत का पहला पूर्ण फंक्शनल रॉकेट कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GSLV MK3, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में हम लोग देखेंगे कि CPU किस भाषा को सीधे समझ सकता है, जो CPU है वह किस भाषा को सीधे समझ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असेंबली भाषा। ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा असेंबली भाषा को CPU सीधे समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कोनार बराकर जमुनिया, ये सभी दामोदर की सहायक नदियां हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 में पूछा गया है फील्ड्स के संकलन को खालिस्थान कहते हैं। यह भी क्वेश्चन कंप्यूटर से ही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेटाबेस। जो फील्ड्स के संकलन है उसे डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। और हम लोग बताते हैं कि यह जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी का उद्गम लातेहार के टोरी जिला, ठीक है, लातेहार के टोरी जिला, मतलब टोरी एक स्थान है, लातेहार जिला के टोरी एक जगह है, वहीं से इसका उद्गम होता है। और दामोदर की सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में हम लोग देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी NIFFT खालिस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची, या जो है सो रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इसमें पूछा गया है कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर का चिप्स जो मेमोरी होता है वह सिलिकॉन से ही बना होता है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इसमें पूछा गया है कि झारखंड के बड़ी जनसंख्या वाले शहर बोकारो स्टील सिटी की स्थापना खालिस्थान के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इसमें हम लोग देखेंगे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL खालिस्थान में खानों का संचालन करता है, मतलब कि वहाँ पर खानों का संचालन कौन करता है। ऑप्शन ए है जादूगोड़ा, ऑप्शन बी तुरीम डी, ऑप्शन सी वगजता, और ऑप्शन डी इन सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इन सभी। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह खालिस्तान में हुआ था, मतलब बिरसा मुंडा का जो उलगुलान विद्रोह था वह कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1895 में बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, वह है 76 में पूछा गया है कि एटलस पर्वत खालिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे कि एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में पूछा गया है कि जब किसी कंप्यूटर में कोई दस्तावेज खोला जाता है तो वह अस्थायी रूप से खालिस्तान में भंडारित हो जाता है, मतलब किसी भी कंप्यूटर में जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स को खोला जाता है तो वह अस्थायी रूप से कहाँ पर भंडारित हो जाता है, कहाँ पर भंडारित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में यह भंडारित हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सुरक्षा और निजता के वास्तविक जोखिमों का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पैम। अब कंप्यूटर से भी यह भी क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इसमें पूछा है कि सिस्टम कॉल एक विधि है, सिस्टम कॉल एक विधि है जिसके द्वारा कोई प्रोग्राम खाली स्थान को अनुरोध भेजता है। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम को अनुरोध भेजता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से सुधारों ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार का गठन किया गया था। तो आप सभी जानते होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर गठन किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इसमें पूछा गया है हार्डवेयर यंत्र को चलाने हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्जामों में यह इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद अहमद। उस समय जो सैयद अहमद थे उस समय झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में पूछा गया है इनमें से क्या झारखंड के प्रमुख उद्योग हैं, मतलब कि इसमें पूछा गया है कि झारखंड के जो प्रमुख उद्योग है वह कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है खनिज आधारित, ऑप्शन बी कृषि आधारित, ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण और ऑप्शन डी इन सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी, मतलब कि खनिज आधारित भी उद्योग हैं, कृषि आधारित भी उद्योग हैं झारखंड में, खाद्य प्रसंस्करण आधारित भी उद्योग हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी इन सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें पूछा गया है खालिस्तान की मदद से व्यक्ति कहीं से भी ईमेल का उपयोग कर सकता है। तो यह भी क्वेश्चन कंप्यूटर से ही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी वेब मेल इंटरफेस की मदद से व्यक्ति कहीं से भी ईमेल का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, इसमें पूछा गया है कि YouTube पर लाइव प्रसारित होने वाली पहली खेल स्पर्धा कौन थी। YouTube पर लाइव प्रसारित होने वाली पहली खेल स्पर्धा कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IPL इंडियन प्रीमियर लीग, जो IPL था वह YouTube पर लाइव प्रसारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में पूछा गया है कि सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कंप्यूटर आप सभी जानते होंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है, इसमें पूछा गया है कि झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है। तो रामेश्वर ठाकुर जो हैं वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम किए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामेश्वर ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 में पूछा गया है कि आधुनिक काल में कोंकणी निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है। जो कोंकणी भाषा है, कोंकणी लिपि है, वह किस लिपि में, कोंकणी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यह देवनागरी में भी लिखी जाती है, कन्नड़ में भी लिखी जाती है, रोमन में भी लिखी जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन से खदान को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित छठे ग्रीन CO
समिट 2017 में ग्रीन मैक्स बिजनेस सेंस विषय के अंतर्गत जैव विविधता श्रेणी में मोस्ट इनोवेटिव एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया था। यह करेंट अफेयर के ही क्वेश्चन था जिसमें एग्जाम हुआ था उससे कुछ दिन से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा नोवा मुंडी, ऑप्शन ए नोवा मुंडी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए नोवा मुंडी हो जाएगा। करेंट अफेयर के लिए प्रत्येक दिन हमें न्यूज़पेपर का रीडिंग बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर के साथ न्यूज़ को देखना और सुनना भी अति आवश्यक है। और एग्ज़ाम से कम करीबन 15 से 18 महीनों का करंट अफेयर हमें दिमाग में याद रहना अति आवश्यक है, तभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठकर उस एग्ज़ाम को आसानी से दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इस क्वेश्चन में पूछा गया है झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा के नाम से जाना जाता है, के लिए पहली लोक अदालत कब बनाई गई थी। ठीक है, मतलब नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009। 2009 में पहली लोक अदालत बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मूलतः भारत से नहीं निकलती है, भारत से नहीं निकलती है शोक पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए ब्यास नदी भारत से निकलती है, चेनाब नदी भारत से निकलती है, रावी भी भारत से निकलती है, लेकिन सतलज नदी जो है सो भारत से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 पूछा गया है झूमता खालिस्तान का एक प्रकार है, या झारखंड के लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह झूमता जो है खालिस्तान का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोक संगीत, यह लोक संगीत का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में पूछा गया है खालिस्तान कंप्यूटर को नेटवर्क में उसका अद्वितीय पता देता है, खालिस्तान कंप्यूटर को नेटवर्क में उसका अद्वितीय पता देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईपी एड्रेस के द्वारा ही कंप्यूटर को नेटवर्क में उसका मतलब कि लोकेशन देता है, एड्रेस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 भारत में बंद को अवैध घोषित करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा था। तो इसका जो क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि भारत को बंद मतलब होता है बांध, ठीक है, तो भारत में बांध को अवैध घोषित करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय नहीं बंद को अवैध घोषित करने वाला पहला उच्च न्यायालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में पूछा गया है दैट थिंग्स कॉल्ड लव अन अनयूजुअल रोमांस एंड द मुंबई रेन नॉवल अथॉर्ड बाय, कहने का मतलब है दैट थिंग्स कॉल्ड लव एंड अनयूजुअल रोमांस एंड द मुंबई रेन उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुहिन सिन्हा इसके लेखक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जो है वह पूछा गया है कि यह कंप्यूटर से है, आप सभी देख लीजिएगा कि इसको टाइप इस तरह से है कि इसको टाइप करने के लिए कौन सा की का हम लोग यूज़ करेंगे, इस तरह से है इसको टाइप करने के लिए किस शॉर्टकट यूज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और जितना भी इधर बाकी है 20 क्वेश्चन यह सभी कंप्यूटर के शॉर्टकट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी इसे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्योंकि यह सभी कंप्यूटर से ही पूछा गया है। इसमें 97 में बोला गया है कि फा हिंदी का फा अक्षर की उत्पत्ति के लिए किस बटन का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें शिफ्ट प्लस बाईं और कनिष्ठ उंगली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 में पूछा गया है अल्प विराम जिसको कॉमा के उपरांत कितने स्पेस होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में बोला गया है
कंप्यूटर शब्द में कितने की बटन प्रयोग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। 7 की बटन का प्रयोग कंप्यूटर शब्द में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है ऊ एफ ई के UFE बाई में पहले लोअर केस तथा दूसरे अपर केस के वर्ण या चिन्ह से बनते हैं, इस स्थिति में कितने स्ट्रोक गिनने चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 3 स्पेस गिनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। इसमें पूछा गया है पूर्ण विराम प्रश्नवाचक विस्मय द्विबोधक कितने स्पेस नहीं होने चाहिए? तो इसका आंसर है 2 स्पेस नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। इसमें पूछा गया है कि दाई ऊपरी अनामिका और कनिष्ठा उंगली पे आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 104 क्वेश्चन में पूछा गया है दृश्य टंकन पद्धति से टाइप करने में कितना समय लगता है? तो स्पर्श पद्धति से अधिक, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। 105 में बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अंगा को टाइप करने का सही शॉर्टकट की बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी Alt+10179। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Alt+0179। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। इसमें पूछा गया है मर्यादा शब्द में जो ऊपर का रा है, मर्यादा ऊपर का जो रा है यह वाला, तो इस मात्रा किस की बटन से पहले आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या जो इस प्रकार का की है उससे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा गया है कि बाएं माध्यमिका उंगली में आने वाले सही अक्षर का विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 108 में है दाई तर्जनी उंगली में आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यह और यह। 109 क्वेश्चन में बोला गया है दाएं हाथ की उंगली किस किस की बटन पर होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 प्रकार के। 111 क्वेश्चन में पूछा गया स्पर्श टंकन टाइपिंग पद्धति का आविष्कार कब और किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स मैकगुनियन 1878 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। इसमें पूछा गया है द्विगुण पंक्ति अंतर डबल लाइन स्पेस का प्रयोग किन पत्रों में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पारिवारिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। इसमें पूछा गया है विस्मयबोधक चिन्ह के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वाह तुम धन्य हो, ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 114 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है बायां हाशिया लेफ्ट मार्जिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिसिल हाशिया, ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन में पूछा गया है करा को टाइप करने का सही शॉर्टकट की पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Alt+0216। ठीक है, अल्ट के साथ में 0216 दबा करके रखेंगे तो यह हो जाएगा करा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। इसमें पूछा गया है सारणी जिसको टेबल बोलते हैं इंग्लिश में के शीर्षक को बीचों बीच में टाइप करके कितने सिंगल लाइन स्पेस छोड़ना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 स्पेस लाइन छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117।
और इसमें पूछा गया है ऊ, ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा अक्षर को, ठीक है, यह हो गया ऊ, अक्षर को टाइप करने का शॉर्टकट की क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्ट प्लस 0197। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इसमें पूछा गया है शिफ्ट प्लस 7 की बटन का सही विकल्प चुनिए, शिफ्ट प्लस 7 की बटन का सही विकल्प चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब कि यदि हम शिफ्ट और 7 को दोनों को दबाएंगे तो इस तरह से टाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 49 अक्षर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, इसमें पूछा गया है कि मोहन बाजार जाता है, ठीक है, मोहन बाजार जाता है, इस वाक्य में कितने की बटन प्रयोग होते हैं, तो इसमें कुल 16 की बटन का प्रयोग होता है, तो इस तरह से यह समाप्त हो जाता है पंचायत सचिवालय का सारा क्वेश्चन। आशा होगा कि आप सभी को समझ में आया होगा, और इसी तरह से जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं पहले, जैसे कि पंचायत सचिव हो गया, तो पंचायत सचिव के 3 चरणों में एग्ज़ाम हुई थी, 3 चरणों के तीनों प्रश्न पत्र को हम लेकर के आपके सामने आएंगे उसका एनालिसिस के साथ। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को राजस्व कर्मचारी उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था, और इसके साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं उन सभी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं आप सभी के सामने लेते आऊँगा एनालिसिस के साथ। इसलिए आप सभी हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, और आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इस चैनल पे बने रहेंगे, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके साथ ही साथ बेल का बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाय।